हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। कन्नड़ लोकप्रिय अभिनेत्री और पूर्व सांसद रम्या उर्फ दिव्या स्पंदना ने अब फिल्म पठान को लेकर हो रहे विवाद पर अपनी टिप्पणी दी है। दीपिका पादुकोण के कपड़ों को लेकर हो रहे विवाद में रम्या ने एक्ट्रेस का समर्थन कर दिया। दीपिका की आने वाली फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। देश भर के हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने गाने पर आपत्ति जताई और कहा कि अभिनेताओं की पोशाक लव जिहाद को बढ़ावा देती है। तो ऐसे में रम्या कूद पड़ी हैं और कह रही हैं कि समांथा को उनके तलाक के लिए ट्रोल किया गया, साई पल्लवी को उनकी राय के लिए, रश्मिका को उनके अलगाव के लिए, दीपिका को उनके कपड़ों के लिए और कई कई अन्य महिलाओं को सब कुछ के लिए। पसंद की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है, महिलाएं माँ दुर्गा का अवतार है, मिसोगिनी उतनी ही बुराई है जिससे हम लड़ना चाहते हैं। बता दें कि लंबे अंतराल के बाद कन्नड़ फिल्म उद्योग में वापसी कर रही रम्या ने दीपिका को कपड़ों के लिए ट्रोल किए जाने के लिए महिलाओं के प्रति मौजूदा द्वेष को जिम्मेदार ठहराया। कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 16 टीआरपी लिस्ट में टॉप पर आ गया है और कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। सक्सेस की वजह से सीजन को एक महीने एक्सटेंड कर दिया गया। बिग बॉस हाउस में घर वालों के बीच अक्सर रिश्ते बदलते हुए दिखाई देते हैं। अब टीना दत्ता और एमसी स्टैन के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी। आने वाले एपिसोड में दोनों के बीच गंदी लड़ाई होगी और एक्ट्रेस राफा की महंगी चेन पर ताना मारती दिखेंगी। बिग बॉस 16 के अपकमिंग एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क में घरवाले एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। इस बीच एमसी स्टैन की शालीन भनौत और टीना के साथ गंदी लड़ाई देखने को मिलेगी। कलर्स टीवी ने इसका प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एमसी स्टैन टीना दत्ता को नॉमिनेट कर देते हैं। वो वजह देते हैं कि टीना अपनी बात से पलट गई हैं, यानी कि टीना पलटू हैं। रीएंट्री के दौरान उन्होंने कहा था कि वो शालीन से बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने पलटी मार ली। एमसी स्टैन की नॉमिनेशन करने पर टीना दत्ता बौखला जाती है और एमसी स्टैन की ज्वेलरी पर कमेंट कर देती है। टीना कहती है मुखौटा पहने हैं ज्वेलरी के पीछे। टीना के कमेंट करने पर एमसी स्टैन कहां रुकने वाले थे, अपने ही अंदाज में उन्होंने उनकी ज्वेलरी से उनका घर चल जाएगा ये कहते हुए कमेंट कर दिया। स्टैन कहते हैं कि ज्वेलरी पर मत जा, इससे तेरा घर चल जाएगा। टीना और एमसी स्टैन की लड़ाई में शालीन बनोत की एंट्री हो जाती है। दोनों के बीच गद्दी लड़ाई देखने को मिलती है, बात हाथापाई तक पहुंच गई। बीच बचाव करने के लिए शिव और बाकी घर वाले भी आते हैं। देखते हैं कि उनकी लड़ाई अब क्या मोड़ लेती है। आपको बता दें कि एमसी स्टैन बिग बॉस 16 में जो ज्वेलरी पहनते हैं वो करोड़ों में है। रैपर सिंगर अक्सर अपने ब्रांडेड और लग्जरी कपड़ों शूज को लेकर भी चर्चा में रहते हैं, कुछ ऐसा ही एमसी स्टैन भी दिखते हैं। इंडिया के पॉपुलर डांसर और एक्ट्रेस नौरा फतेही ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच हुए फाइनल मैच से ठीक पहले क्लोजिंग सेरेमनी में अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं नौरा ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस का शुक्रिया बोला है। नौरा ने इंस्टाग्राम पर डांस परफॉर्मेंस का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, और फिर ये हुआ, फीफा वर्ल्ड कप क्लोजिंग सेरेमनी, लाइट द स्काई। फीफा वर्ल्ड कप मेरे करियर का सबसे खूबसूरत और एपिक मोमेंट रहा। दुनिया देख रही थी, मैंने इसी पल के लिए जीवन भर काम किया है। मेरे हाई स्कूल स्टेडियम से इस स्टेज तक वर्ल्ड कप स्टेडियम स्टेज अविश्वसनीय। इसके साथ ही उन्होंने अपनी टीम को शुक्रिया करते हुए लिखा, जिन्होंने इस पल को देखकर मुझे मैसेज और कॉल किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नौरा के इस वीडियो पर फैंस के अलावा सेलेब्स भी जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं और नौरा को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। नौरा फतेही फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने वाली एक लौती स्टार थी। नौरा फतेही ने कतर के लुसेल स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप एंथम लाइट द स्काई पर अपनी अदाओं से मंच पर आग लगा दी। इस दौरान वो ब्लैक शिमरी आउटफिट में नजर आई। अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए नौरा ने ड्रेस के साथ स्टॉकिंग्स और शूज पेयर किए थे। उन्होंने वर्ल्ड कप की थीम को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में गाया और परफॉर्म किया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और उनके फैंस एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में साउथ सुपरस्टार यश का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अपने फैंस 700 फैंस के साथ बारी बारी सेल्फी क्लिक कराते नजर आ रहे हैं। वीडियो चर्चा में आने के बाद से ही फैंस यश के जेस्टर की खूब तारीफ कर रहे हैं। दरअसल 15 दिसंबर को फिल्म कैंपेनियन ने बेंगलुरु में एक इवेंट रखा था जिसमें यश बतौर गेस्ट पहुंचे थे, जो एक्टर ने अपने स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स की माने तो इस इवेंट में 700 लोग शामिल थे। शो खत्म होने के बाद यश ने बड़ी ही सादगी के साथ फैंस का सम्मान करते हुए एक एक कर सभी के साथ फोटोज क्लिक कराई। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इवेंट के ऑर्गेनाइजर ने यश ने कहा कि वो फैंस के साथ ग्रुप फोटो ले ले, लेकिन यश ने उन्हें मना करते हुए कहा कि वो हर एक फैन के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं।
तो यही वजह है कि यश की जिंदा दिली पर हर कोई कायल है। तो ऐसी चटपटे मसालेदार खबरों के लिए आप बने रहिए बॉलीवुड गपशप के साथ।